उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक महिला ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने बताया कि मृतक पति महिला के अवैध संबंध के बीच में रोड़ा बन रहा था, तो महिला ने अपने प्रेमी के जरिए उसकी हत्या करवा दी। मामला संभल के बनिया ठेड़ थाना इलाके के गांव अकबरपुर का है। यहां 3 दिन पहले हुए पुष्पेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके मौसेरे भाई ने की। पुलिस ने मृतक पुष्पेंद्र की पत्नी और आरोपी अजय को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 13 अक्टूबर को पुष्पेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फिर एक दिन बाद 14 अक्टूबर को पुष्पेंद्र का क्षत विक्षत हालत में शव मिला जंगल में। इसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक पुष्पेंद्र और उसके हत्या के आरोपी अजय दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई हैं। इसी के चलते अजय का अपने मौसेरे भाई पुष्पेंद्र के घर आना जाना था। करीब 2 साल से पुष्पेंद्र की पत्नी काजल और अजय के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। 1 साल पहले अजय गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए बदायूं अपने मौसेरे भाई पुष्पेंद्र के घर पर रुका था, जहां पुष्पेंद्र की गैर मौजूदगी में अजय और काजल के बीच प्रेम प्रसंग चरम पर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक इस अफेयर की जानकारी पुष्पेंद्र को चल गई और इसके बाद पुष्पेंद्र ने पत्नी काजल का अजय से मिलना बंद करवा दिया। फिर अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर काजल और अजय ने मिलकर पुष्पेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।